बैंगन की सब्जी का नाम सुनकर सभी मुंह बना लेते हैं, बट अगर आप इसमें एक मैजिक मसाला डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। वो मैजिक मसाला कौन सा है तो वो देखने के लिए मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बहिलम किचन। आज हम बनाएंगे घर में बैंगन की सब्जी। बस इसमें एक ऐसा मसाला डालिए कि इसका टेस्ट वाह वाह करेंगे आप। सिंपल सी रेसिपी है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा आपको, सब कुछ आपके घर में ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर में बैंगन की सब्जी। सो लेट्स कुक विद बहिलम किचन। फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं 500 ग्राम बैंगन, मीडियम साइज के हैं, और मैंने अभी इन्हें अच्छे से धो लिया है। अगर किसी का डंडल थोड़ा खराब हो तो आप उसे ऐसे कट कर दीजिए, और बैंगन के बीचों बीच हम ऐसे दो कट लगाएंगे जिनमें हम मसाला फिल करेंगे बाद में। देखिए ऐसे ऐसे कर हम हमारे जो सभी बैंगन हैं सभी में ऐसे कट लगा लेंगे। ये देखिए, अभी देखिए सभी बैंगन में कट लग चुका है। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच लिया है गरम मसाला। और जो मसाला मैंने स्पेशल तैयार किया है स्टफ्ड सब्जी के लिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है सफेद नमक, 1 चम्मच ली है रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च होती है जो, और आधा चम्मच लिया है मैंने मैगी मसाला, इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और 1 बड़ा चम्मच लिया है बेसन। तो हम अब इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 बड़ी चम्मच दही भी डाल सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी सभी मसाले मिक्स कर लिए हैं, तो हम इसे बैंगन के ऐसे बीचों बीच फिल कर देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे, अच्छे से कोट करना है, जो हमारा सारा बैंगन है वो अच्छे से कोट हो जाए मसाले से। देखिए इसके बिल्कुल बीचों बीच मसाला डालना है। ऐसे कर हम अपने सभी बैंगन जो है फिल कर लेंगे। स्टफ्ड सब्जी बनाने के लिए मैंने गरम मसाला स्पेशल तैयार किया है, उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है हमारी किसी भी सब्जी में। आप किसी भी सब्जी में बहुत मसाला डाल सकते हैं। अगर आपको हींग का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए सभी हमारी जो फिल हो चुकी है। तो मैंने ये जो सारे बैंगन है फिल कर लिए हैं, सिर्फ आधी चम्मच ही बचा है जो मसाला, तो इसे भी हम बाद में यूज करेंगे। मैंने इसीलिए बोला था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर। अब लेंगे 2 चम्मच लेंगे हम सरसों का तेल, दो से भी कम ही लिया है मैंने, क्योंकि एक बार बाद में फिर अभी इसका एक झोंका लगाएंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें हमारे जो बैंगन है वो छोड़ देंगे। अब इसे ढक देंगे। धीमी आंच पर पकने देना है इसको, बिल्कुल
जब तक हमारे बैंगल पक रहे हैं तब तक हम इतना जो वेजेस कट कर लेते हैं तड़के के लिए। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, एक टमाटो, एक इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, और चार पांच कलियां ली है लहसुन की, और दो हरी मिर्च। अभी हम इन्हें कट कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे बैंगन का क्या हाल है। देखिए बैंगन जो हमारे पकना शुरू हो चुके हैं, बस इन्हें हिलाते रहिए ताकि जो ऊपर वाले बैंगन है अब वो भी पक जाए। इन्हें बीच बीच में ऐसे हिलाते रहिए। फिर से ढक देंगे इन्हें। तो अभी हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने लिया है हाफ चम्मच सरसों का तेल, इसे गर्म होने देते हैं। तो अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च। और अब डाल देंगे कटा हुआ प्याज। इसको पूरा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ 50% ही कुक करना है। तकरीबन हमारे जो बैंगन है वो भी हो चुके हैं। मेरे से कितना अच्छा कलर आया है। अब हमारा प्याज हो चुका है तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि मिर्च ना लग जाए हमारा तड़का। बैंगन हमारे हो चुके थे तो इसलिए मैंने जो गैस है वो बंद कर दी थी, क्योंकि इसमें हम तड़का डालकर 2-3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको जोर पकने देते हैं। टमाटर भी हो चुका है तो जो मसाला हमारा बैंगन बचते हुए बच गया था वो भी हम इसी में डाल देंगे और फिर से मिलाएंगे एक बार। लीजिए हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे हमारी जो बैंगन है उसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे ताकि जो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट होगा वो भी बैंगन में आ जाए। तो इसे ढक देंगे। हमारी सब्जी जो बन चुकी है तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा भरमा बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे पराठे के साथ खाइए, या रोटी के साथ, या फिर पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी बनती है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टिल देन नेक्स्ट वीडियो।